खूबसूरत एरिया है हमारे जमशेदपुर का। ये यही नहीं, हमारे शहर को मिनी मुंबई बोला जाता है। इस शहर के चौक चौराहा की खूबसूरती आप और इंडिया में कहीं नहीं देख सकते हैं। बेजोड़ की खूबसूरती है। ये हो गया पीछे यूनाइटेड कलर। इतना साफ सुथरा रोड। ये कुछ कोबरा प्रजाति के लोग होते हैं जो गाड़ी बाइक चलाते हुए गुटखा खाकर रोड पर थूक देते हैं और गंदगी फैलाते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये देखना। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो जे आर डी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ फुटबॉल का मैच होता है इसी स्टेडियम में। और ये बगल में हो गया कीनन स्टेडियम। इस स्टेडियम के पिच की बड़ाई हमारे पूर्व कप्तान कपिल देव साहब कर चुके हैं। यकीनन स्टेडियम का पिच सबसे बढ़िया पिच है। देखिए क्या व्यू, कितना अच्छा लग रहा है। सामने जे आर डी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रास्ता है। ये देखिए, ये पहले मोदी पार्क बोला जाता था इस पार्क को, अब नाम हो गया सर दोराबजी टाटा पार्क। लेकिन अभी बंद है, अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं। करीब 15 महीना हो गया बंद हुए और ये नया निर्माण कार्य चल रहा है। ये इधर हो गया कीनन स्टेडियम, जगह हम लोग मैच देख चुके हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका का। और भी बहुत रणजी यहाँ पास मैच होती थी पहले। और ठीक इसके बगल में, कीनन स्टेडियम के बगल में फुटबॉल ग्राउंड है, जे आर डी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। साफ सफाई यहाँ होते रहती है। हम लोग जमशेदपुर शहर क्लीन सिटी है और बहुत ही खूबसूरत शहर है हमारा। बार बार खूबसूरत इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग जरूर आए जमशेदपुर, घूमें और इसके आसपास भी घूमें।
आप 2 दिन में पूरा जमशेदपुर बहुत अच्छी तरह से घूम सकते हैं। तो जनाब ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, ये जमशेदपुर का XLRI है। काफी भव्य सुंदरता दिख रही है। तो जनाब अब हम आ चुके हैं दोमुहानी। दोमुहानी इसलिए बोला जाता है कि ये दो नदियों का मिलन स्थल है, एक खरखाई नदी और इधर से स्वर्णरेखा नदी, दोनों नदियों का यहाँ इस जगह पर मिलन होता है। और यहाँ मकर संक्रांति और छठ पूजा में काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाते हैं इस नदी में। देखिए यहाँ से नज़ारा कितना सुंदर। और ये जो बगल में रास्ता आप, इसे मैरीन ड्राइव बोलते हैं, जमशेदपुर का सिटी ऑन व्हील। और ये जो सामने देख रहे हैं ये शंकर जी का मंदिर है। आप नाव के द्वारा मात्र 20 रुपया देकर आप उस पार जा सकते हैं, और उस पार भी दो छोटी छोटी खूबसूरत मंदिर है नदी के उस पार, मात्र 20 रुपये में आना और जाना दोनों।